हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज बात करेंगे हाई प्रोटीन मसल बिल्डिंग फूड्स की। जैसा कि आपको पता ही होगा, मसल बिल्ड करने के लिए हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, एज प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मेकिंग मसल्स। तो आइए जानते हैं हाई क्वालिटी प्रोटीन फूड्स के बारे में। नंबर वन इज एग्स। एग्स एक कम्प्लीट एंड हाई क्वालिटी प्रोटीन का सोर्स होते हैं। वन लार्ज रॉ एग से आपको 72 कैलोरीज मिलती हैं, जिसमें आपको 6 ग्राम प्रोटीन, 0.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स एंड 4.8 ग्राम फैट्स मिलते हैं। वन लार्ज बॉइल्ड एग से आपको 78 कैलोरीज, 6 ग्राम प्रोटीन, 0.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स एंड 5 ग्राम फैट्स मिलते हैं। और वहीं एक एग वाइट से आपको 3.6 ग्राम प्रोटीन, 0.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स एंड 0.1 ग्राम फैट्स मिलते हैं। एग्स हाई क्वालिटी प्रोटीन के साथ साथ विटामिन ए, B6, B12 एंड विटामिन डी का भी अच्छा सोर्स होते हैं, और साथ ही साथ ये आयरन, जिंक, कैल्शियम एंड कोबालामिन का भी अच्छा सोर्स होते हैं। नंबर टू इज चिकन। चिकन की बात करें तो पर 100 ग्राम चिकन से आपको अप्रॉक्स 25 ग्राम प्रोटीन, 0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स एंड 14 ग्राम फैट्स मिलते हैं, जिसमें से 4 ग्राम सैचुरेटेड फैट होता है, जो कि आपको 225 कैलोरीज देता है। वहीं चिकन ब्रेस्ट की बात करें तो पर 100 ग्राम चिक ब्रेस्ट से आपको 31 ग्राम प्रोटीन, 0 कार्बोहाइड्रेट्स एंड 3.6 ग्राम फैट्स मिलते हैं। हालांकि चिकन एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है, बट अगर आप डेली चिकन कंज्यूम करते हैं और इसकी क्वांटिटी को लिमिटेड नहीं करते, तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है। अगर आप 300 टू 355 ग्राम चिकन खाते हैं, तो इसमें आपको करीब 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल मिलता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल की डेली सेफ लिमिट या डेली वैल्यू का 100% होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 ग्राम चिकन में 100 ग्राम मिल्क से 8 से 9 गुना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसके बाद नंबर 3 पर आता है योगर्ट। योगर्ट और कर्ड यानी दही लगभग एक ही होते हैं। दोनों को मिल्क फर्मेंटेशन से सेम बैक्टीरिया, जिसे हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं, उसको यूज़ करके बनाया जाता है। इन दोनों में मेजर डिफरेंस सिर्फ फैट कंटेंट का होता है। पर 100 ग्राम नॉन फैट योगर्ट में आपको 59 कैलोरीज के साथ 0.4 ग्राम फैट, 10 ग्राम प्रोटीन एंड 3.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। और वहीं आपको 100 ग्राम कर्ड में 98 कैलोरीज के साथ 4.3 ग्राम फैट्स, 11 ग्राम प्रोटीन एंड 3.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। नंबर 4 पर आता है पनीर या कॉटेज चीज़। कॉटेज चीज़ और पनीर दोनों ही मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं। इनकी मेकिंग में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। पनीर को इंडियन कॉटेज चीज़ भी कहते हैं। कॉटेज चीज़ एंड इंडियन कॉटेज चीज़ यानी पनीर, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में मेजर डिफरेंस केवल फैट परसेंटेज का होता है। पनीर में कॉटेज चीज़ से फैट परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होता है, बाकी इनकी प्रोसेस ऑफ मेकिंग लगभग सेम ही होती है। पर 100 ग्राम इंडियन कॉटेज चीज़ यानी पनीर से आपको 314 कैलोरीज मिलती है, जिसमें आपको टोटल फैट 25 ग्राम मिलता है, जिसमें से कि 15 ग्राम सैचुरेटेड फैट होता है एंड 4.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और पर 100 ग्राम कॉटेज चीज़ में आपको 98 कैलोरीज मिलती है, जिसमें टोटल फैट आपको 4.3 ग्राम मिलता है, जिसमें से कि 1.7 ग्राम सैचुरेटेड फैट होता है एंड 3.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स एंड 11 ग्राम प्रोटीन मिलते हैं। नंबर 5 इज फिश। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं एंड फिश खा सकते हैं, उनके लिए फिश एक काफ़ी अच्छा प्रोटीन सोर्स होता है। फिश में आपको हाई प्रोटीन के साथ फैट भी हाई अमाउंट में मिलता है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी फिश खा रहे हैं। पर 100 ग्राम फिश में आपको 1 ग्राम से 17 ग्राम तक फैट मिल सकता है। अगर कुक्ड सैल्मोन फिश की बात करें, तो आपको पर 100 ग्राम में 206 कैलोरीज के साथ 22 ग्राम प्रोटीन, 0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स एंड 12 ग्राम तक फैट मिलता है। नंबर 6 इज मिल्क। मिल्क प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। मिल्क में मेनली दो तरह के प्रोटीन होते हैं, दैट इज़ वे प्रोटीन एंड कैसीन प्रोटीन। टोटल मिल्क प्रोटीन कंटेंट में 80% कैसीन प्रोटीन होता है एंड 20% वे प्रोटीन होता है। अगर हम बात करें 1 कप यानी 245 ग्राम नॉन फैट मिल्क की, तो इससे आपको टोटल 83 कैलोरीज मिलती हैं, जिसमें 8 ग्राम प्रोटीन, 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स एंड 0.2 ग्राम फैट्स मिलते हैं। वहीं फुल फैट मिल्क में पर कप में 8 ग्राम तक फैट मिलता है। नंबर 7 इज़ वे प्रोटीन। वे प्रोटीन दूध से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पनीर बनाने के प्रोसेस में जो वाटर लेफ्ट रह जाता है, इसे लिक्विड वे कहते हैं। बाद में इसे प्रोसेस करके पाउडर फॉर्म में बना दिया जाता है, जिसे वे प्रोटीन पाउडर कहते हैं। वे प्रोटीन के एक स्कूप से, जो कि लगभग 36 ग्राम का होता है, उसमें आपको 25 टू 27 ग्राम प्रोटीन, 4 टू 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स एंड 1 ग्राम तक फैट मिलता है। ये फिगर्स कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा वे प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं, कंसनट्रेट, आइसोलेट या हाइड्रोलाइज्ड।
नंबर 8 प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज। प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज में नंबर 1 पर आता है सोया प्रोटीन यानी सोयाबीन। सोयाबीन एक हाई प्रोटीन प्लांट बेस्ड फूड होता है जिसमें आपको सभी इसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं, जिससे यह एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स भी बनता है। पर 100 ग्राम बॉइल्ड सोयाबीन से आपको 17 ग्राम प्रोटीन मिलता है, वहीं पर 100 ग्राम सोया चंक्स से आपको 15 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है। अगर आप सोयाबीन डेली कंज्यूम करते हैं तो इसकी क्वांटिटी को आपको कंट्रोल रखना होगा, वरना आपके एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज में आप सभी तरह की दाल, राजमा, छोले खा सकते हैं। इनमें आपको 1 कप कुक्ड अप्रॉक्स 117 ग्राम से 15 टू 18 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है। इनके अलावा नट्स लाइक आलमंड, वॉलनट्स, कैश्यूज, इनसे भी आपको पर 100 ग्राम से 15 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है। पीनट्स की बात करें तो पर 100 ग्राम रोस्टेड पीनट्स से आपको 24 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है। नट्स में आपको हाई प्रोटीन के साथ हाई फैट भी मिलता है पर 100 ग्राम में, जहां आपको 15 टू 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है, वहीं आपको 50 टू 60 ग्राम तक फैट भी मिल सकता है। बट नट्स से आपको जो फैट मिलते हैं वो हेल्दी फैट्स होते हैं, जो आपकी स्किन क्वालिटी, हेयर, आईज, बॉडी के ऑर्गन्स के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी बढ़ने से कंट्रोल करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।